हमारी जर्नी आज दिल्ली से द्वारकाधीश और सोमनाथ टेंपल के लिए हो रही है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल DFF। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हम ऋषिकेश। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, हम ऋषिकेश में तपोवन में रुके हुए थे। मैं आज आपको तपोवन के आसपास की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या आसपास रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, होटल्स जो अभी आप यहाँ से लेकर के मेरे होटल के बीच में पड़ने वाले हैं उन सबको आप डिस्कवर करेंगे। अभी मैंने जो आपको दिखाया है डोमिनोज और बर्गर किंग दोनों ही बिल्कुल साथ साथ हैं, तो जो पिज़्ज़ा लवर हैं और जो बर्गर किंग का बर्गर पसंद करते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर आप लक्ष्मण झूला के पास से भी आ रहे हैं तो वॉकेबल ही है, 15 से 20 मिनट्स के बीच में आपको वॉक करते हुए लगेंगे। ऋषिकेश में अगर आप रात को 10 बजे भी निकल रहे हैं, 11 बजे भी निकल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं है। माहौल बहुत अच्छा है, लोकल पुलिस भी जो है अवेलेबल है टूरिस्ट की असिस्टेंस के लिए। वैसे तो हम बहुत ही ना के बराबर इंसिडेंट सुनते हैं ऋषिकेश के बारे में, तो कभी भी आप ऋषिकेश आ रहे हैं और लेट हो जाता है तो आपको यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट जो है आधी रात तक भी अवेलेबल मिल जाएंगे। वैसे तो आप जहाँ पर होटल में रुकते हैं वहाँ पे उनका अपना रेस्टोरेंट होता है, वहाँ तो आप जब चाहे खा सकते हैं, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि कभी भी अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के होटल में रुकते हैं तो ब्रेकफास्ट ज़रूर आप वहाँ पे कीजिए, लेकिन लंच और डिनर के लिए हमेशा अपने होटल से बाहर निकलिए, आउटिंग कीजिए, आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कीजिए और हो सके तो लोकल फूड भी टेस्ट कीजिए। तपोवन में बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफेज़, होटल्स, रेजॉर्ट सब कुछ अवेलेबल है, मसाज सेंटर, योगा सेंटर, अगर आप पंचकर्मा अपना करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। और ऑप्शन इतने सारे हैं कि अगर आपके कोई एक चीज़ बजट में नहीं आ रही है तो आप किसी और चीज़ के लिए जा कर के आप उसको बहुत ईजीली अपने बजट में करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने नाइट में शूट किया है और अपने कैमरे मोबाइल के कैमरे से मैंने शूट किया है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रात का समय था तो लाइटिंग भी जो होटल या रेस्टोरेंट कैफेज़ के बाहर है सिर्फ वही अवेलेबल थी, स्ट्रीट लाइट बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर थी तो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन पाई है, लेकिन मैंने कोशिश की थी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए कि जो लोग फर्स्ट टाइम ऋषिकेश आ रहे हैं, जो लोग पहले भी आ चुके हैं लेकिन बहुत अच्छा कुछ ढंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए उनके लिए। वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि वो लोग होटल में ज़रूर रुके हुए हैं, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है या जो भी स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगे हुए हैं मैंने वहाँ पर काफ़ी रश देखा और लोग इस ये जो समय है इस टाइम मेरे ख्याल से 9:30 के आसपास था, क्योंकि ऋषिकेश में लोग जो लोग आते हैं वो त्रिवेणी घाट या कई लोग हरिद्वार भी अप डाउन करते हैं। ये जो रोड है ये बद्रीनाथ हाईवे है और ये जो एरिया जहाँ पर अभी हम हैं ये पूरा तपोवन कहलाता है। राफ्टिंग का जो पॉइंट है शिवपुरी वो भी इसी रास्ते के ऊपर ही है और अभी आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं ये मैंने जितने भी होटल्स हैं लाइन से मैंने सारे कवर किए हैं, जहाँ पे आप अपने स्टे के लिए कोई ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई नाम ठीक से विजिबल ना हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जूम इन करके आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग यही बंद कर रहा हूँ, आप इन्जॉय कीजिए जो व्यूज़ हैं ऋषिकेश की नाइट लाइफ के, तपोवन के, और नोट डाउन करते जाइए जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे और आप उनको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके फेयर्स वगैरह उनके आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।